मेरी 11 साल की सर्विस हो चुकी है केवी में, तो 11 साल में मैंने ऐसा इन सर्विस और ऐसी वर्कशॉप नहीं अटेंड की अभी तक जो जितना मैंने यहाँ सीखा है। यूटी चंडीगढ़ इज रिप्रेजेंटिंग इन पीसा प्रोग्राम, चेयरपर्सन आती हैं वहाँ CBSE की और हमारे से पूछते थे अच्छा आप क्या बच्चों को करवाने जा रहे हैं, तो आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ कि हम करते थे अंदर से कि अच्छा अगली बार क्या बताएंगे, इस बार तो गुजारा कर लिया अगली बार क्या करेंगे। लेकिन आप इन 10 दिनों में हमें आपने इतना मटेरियल दे दिया, इतनी एक्टिविटीज दे दी कि अगर हम उनके ऊपर थोड़ा टाइम लगा के मास्टरी कर लेंगे तो शायद अब हम वहाँ पे अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। ये मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ तो 15 डेज क्वारंटाइन में बहुत कुछ एपिसोड भी चल रहा था आपका, वो भी देखा मैंने, तो बहुत मदद भी मिली, वो सब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में आप कमजोरी भी आ गई और उसके दौरान में ये कोर्स आ गया। तो मेरे पास ऑप्शन था कि भाई मैं कह दूँ कि अभी मैं आई एम नॉट फिट तो मैं नहीं भी ज्वाइन करूँगा चलेगा, लेकिन आप लोगों के साथ इतना अटैचमेंट फर्स्ट सेशन में भी इतना बढ़िया जो है रहा कि मैं इसको तो किसी हालत में मिस नहीं करना चाहता, किसी भी हालत में। स्कूल भी कह दे कि मुझे चल के प्रिंसिपल साहब कि आप इसको मत करो, दूसरा काम करो और ये बाद में कर लेना, तो भी आई कुड से कि नो मैं पहले ये करूँगा। सबसे अच्छी बात यह लगी कि कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाए और वास्तव में अच्छा लगा सर कि कोई हमें ट्रेंड नहीं कर रहा, साथ में सीख रहा, परंतु यहाँ वास्तव में जो आपका सिखाने का और जो तरीका था वो वास्तव में बहुत अच्छा है। सर हम लोगों ने वर्कशॉप अटेंड करी 10 दिन, बहुत अच्छा लगा सर, एक मतलब जैसे बचपन लौट आया हो इस तरह से खिलौना से बनाना सीखा। 4 घंटे गांव में मोबाइल पे कनेक्ट होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी आज 10 दिन कहा निकल गए पता ही नहीं चला। ये करेशलाम को इतना अच्छा लगा और जो भी सीखने के मिला ये तो बहुत सराहनीय है और ये हम लोग भूल नहीं पाऊंगा। हमने उनका जो व्यक्तित्व नॉलेज सिस्टम में नहीं आते था तो हमको मैंने मालूम ही नहीं होता इस तरफ का भी ट्रेनिंग होता है। हम सभी आपको विश्वास दिलाते हैं कि अपने अध्यापन कार्य में सीखी गई चीजों का समावेश करने का पूर्णतया प्रयत्न करेंगे। हम लोग क्लास में जाते हैं तो ये नई चीज सीखी, क्योंकि हमारे से कोई भी बच्चा 2 या 3 बार पूछ ले तो हम सो तो नहीं करते पर अंदर से हमें इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, लेकिन आप लोगों से सीखा कि हम जितनी बार पूछे आप लोगों से आपके फेस पे वही स्माइल वही क्यूरियोसिटी और उसी वे से आप रिस्पॉन्स करते रहते हैं। दैट इज रियली न्यू लर्निंग फॉर मी एंड फॉर माई रेस्ट ऑफ द करियर आई विल ट्राई टू डू दैट थिंग फॉर माई फेस।